लखनऊ से चलकर हमारे बीच आए आदरणीय अम्बरीश ठाकुर जी, जो बहुत ही आग्रह करने पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत ही मजाजी शायर हैं, आप इनको सुनेंगे तो मजा आएगा, उस ऊंचाई तक ले जाएंगे इस मंच को, मेरा विश्वास है। और इनकी एक बहुत ही अच्छी प्रतिनिधि रचना है महाभारत। मैं चाहता हूँ कि ये मंच आपके हवाले है, जो पढ़ना है पढ़े, लेकिन वो महाभारत जरूर सुनाए। एक बार जोरदार तालियां जाकर के आपने स्वागत। बिना किसी भूमिका के, बिना किसी तमहीद के, सीधे कुछ शेरों से आप सबको जोड़ रहा हूं। अभी हमने राम को सुना काफी लोगों से, हमने चंदौली के बारे में सुना, तो मेरी एक पहली चार लाइनें, मेरे जो राम है हमारा लाल कन्हा मंसारी, इसी चंदौली का बेटा जो कारगिल की लड़ाई में शहीद हुआ, उनके नाम पे है ये चार पंक्तियां। कि बीच संघर्षों के एक अद्भुत कहानी हो गया, बीच संघर्षों के एक अद्भुत कहानी हो गया, जो जमीन पे जंग लड़कर आसमानी हो। अरे वाह 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 वाह, बीच संघर्षों के एक अद्भुत कहानी हो गए, जो जमीन पे जंग लड़कर आसमानी हो गए। गर्व है उन बांकरों पर जो गगन पर छा गए, जीत कर लंका हमारे राम वापस आ गए। तलखियां दरकिनार करते हैं, आओ मिस्रों में बात कर। आगे के शेर इस मोहल्ले के नाम है, ख्यालों में जुड़ जाना, ख्यालों में सफर करने लगा है, ख्यालों में है, विभाजी सुनिएगा, ख्यालों में सफर करने लगा है, वो जालिम दिल में घर करने लगा है। ख्यालों में सफर करने लगा है, वो जालिम दिल में घर करने लगा है। और शेर देखो कि खुदाया एक नई दुनिया बसा दे, खुदाया एक नई दुनिया बसा दे, अब इस दुनिया से दिल भरने लगा। खुदाया एक नई दुनिया बसा दे, अब इस दुनिया से दिल भरने लगा है। कुछ एक शेर ऐसी सुनते जाइएगा कि मुद्दत से यादों का पिंजरा खाली है, मुद्दत से यादों का पिंजरा खाली है, तेरे जाने से घर कितना खाली, मुद्दत से यादों का पिंजरा खाली है, तेरे जाने से घर कितना खाली है। किसने दिल के दरवाजों पर दस्तक दी, किसने किसने दिल के दरवाजों पर दस्तक दी, किसको लगता है ये कमरा खाली है, किसने दिल के दरवाजों पर दस्तक दी, किसको लगता है ये कमरा खाली है। और नौगढ़ बताना कि आप इशारे समझते हैं, ये तीन शेर सुनिए कि ये तय हुआ, सर सुनिएगा, ये तय हुआ कि दरमियां एक पुल इजाद हो, मधुर भैया, ये तय हुआ कि दरमियां एक पुल इजाद हो, दरमियां मतलब बीच में, कच्ची सड़क ने पक्के मकानों से बात की। ये तय हुआ कि दरमियां एक पुल इजाद हो, कच्ची सड़क ने पक्के मकानों की बात की, इस बात पर जमीन पे मुकदमा लिखा गया, इस बात पर जमीन पे मुकदमा लिखा गया, किस हक से उसने चांद सितारों की बात की। ये तय हुआ कि दरमियां एक पुल इजाद हो, बहुत शुक्रिया, कच्ची सड़क ने पक्के मकानों की बात की, इस बात पर जमीन से मुकदमा लिखा गया, किस हक से उसने चांद सितारों की बात की। और शेर देखो कि लम्हों में लंबे वक्त के सब जख्म भर गए, लम्हों में लंबे वक्त के सब जख्म भर गए, जब दोस्तों से गुजरे जमानों की बात की, लम्हों में लंबे वक्त के सब जख्म भर गए, जब दोस्तों से गुजरे जमानों की बात की। और शेर सुनो नौगढ़ वालों, आप फिर से जुड़ जाओ कि हालांकि नुकसान नहीं है,
हालांकि नुकसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। हालांकि नुकसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है, उन आंखों की बात ना करें। अब जिनके मेहमान नहीं है, उन आंखों की बात ना कर। अब जिनके मेहमान नहीं है, अंदर गुप्त अंधेरा क्यों है? शेर देखिएगा कि अंदर गुप्त अंधेरा क्यों है? दिल में रोशनदान नहीं है। अंदर गुप्त अंधेरा क्यों? दिल में रोशनदान नहीं है, दिल के कारोबारी हो तुम। समझे? दिल के कारोबारी हो तुम और चेहरों की पहचान नहीं। भाई वाह, इतना भी आसान नहीं है। वाह वाह वाह, अरे क्या बात है, क्या बात है यार। शेर इतना भी आसान नहीं है। एक बात फिर सही है शेर पर, दिल के खाना की नुकसान नहीं है, दिल के कारोबारी हो और चेहरों की पहचान नहीं। और सुनिए नौगढ़ के सेवर के शेर सुनिए कि हवा का रुख बदलना चाहते हैं, हवा का रुख बदलना चाहते हैं, ये हैं और जलना चाहते हैं। हवा का रुख बदलना चाहते हैं, दिए हैं और जलना चाहते हैं। और शेर है कि मुसव्विर, मुसव्विर मतलब पेंटर चित्रकार, मुसव्विर कैनवस बदलो तुम्हारा, अब हम मंजर बदलना चाहते हैं। हवा का रुख बदलना चाहते हैं, दिए हैं और जलना चाहते हैं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। तो और सुनिए कि इधर महफिल फरोजा है, जश्न हर शाम चलता है। इधर महफिल फरोजा है, जश्न हर शाम चलता है, मगर दिल का तेरी मौजूदगी से काम चलता है भाई। मगर दिल का तेरी मौजूदगी से काम चलता है। और ये शेर हमारे सलीम शिवालवी साहब के नाम, पूरे नौगढ़ के नाम, श्रीधर जी के नाम कि तेरी बस्ती में आया तब हुआ मालूम ये मुझको, तेरी बस्ती में आया तब हुआ मालूम ये मुझको, यहाँ सिक्के नहीं चलते तुम्हारा नाम चलता है। वाह 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 वाह, यहाँ सिक्के नहीं चलते तुम्हारा नाम चलता है। इधर महफिल फरोजा है, जश्न हर शाम चलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सुनिए लोगों ने बताया, मधु भैया ने बताया कि ये क्या लिखते हैं। तो एक गजल की महाभारत मेरी एक रचना है, मैं सुनाता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या लिखता हूँ। मेरी आदत है मैं ख्वाबो ख्याली पर नहीं मेरी आदत है मैं ख्वाबो ख्याली पर नहीं लिखता, सवालों पे लिखता हूँ, सवालों पर नहीं लिखता। मेरी आदत है मैं ख्वाबो ख्याली पर नहीं लिखता, सवालों पे लिखता हूँ, सवाली पर नहीं लिखता। मैं कायल हूँ दरख्तों का, पेड़ों का, एक पेड़ सूख भी जाता है तो जलाने के काम होता है। मैं कायल हूँ दरख्तों का जो जलकर आग देते हैं, करीने से पली फूलों की डाली पर। मैं कायल हूँ दरख्तों का जो जलकर आग देते हैं, करीने से पली फूलों की डाली पर। वो बंद कर दीजिए माइक, ये लीजिए बंद कर दीजिए माइक। बस बस, करीने से पली फूलों की डाली पर नहीं लिखता, शहर बेशक घिरा रहता है मजहब के बवालों में, शहर बेशक घिरा रहता है मजहब के बवालों में, बवालों पर तो लिखता हूँ, बवाली पर नहीं लिखता कभी। बवालों पर तो लिखता हूँ, बवाली पर नहीं लिखता कभी, डरता नहीं हूँ इश्क के इजहार से लेके, कभी डरता नहीं हूं इश्क के इजहार से, लेकिन जो इन ख्वाबों में है उस सुरमे वाली पर नहीं। कभी डरता नहीं हूं इश्क के इजहार से, लेकिन
जो इन ख्वाबों में है उस सुरमे वाली पर नहीं लिखता, और सुनिए, वो लिखता उसके सजदे में जो ताउम्र साथ रहती है। हमारी बेगम बड़े हिम्मत का शेर है, वो लिखता उसके सजदे में जो ताउम्र साथ रहती है। बेबाजी आपसे माफी चाह रहा हूं, मैं इस महफिल में हर एक आने वाली पर लिखता उसके सजदे में जो ताउम्र साथ रहती है। बहुत शुक्रिया लोगड़। लिखता उसके सजदे में जो ताउम्र साथ रहती है, मैं इस महफिल में हर एक आने वाली पर नहीं लिखता, और मैं लिखता हूं तिमिर में, तिमिर मतलब अंधेरा, मैं लिखता हूं तिमिर में रोशनी दे दे चरागों पर, मैं लिखता हूं तिमिर में रोशनी दे दे चरागों पर, अमीरों के यहां मंदी दिवाली पर रही, अमीरों के यहां मंदी दिवाली पर नहीं लिखता। और शायर अपने आगे उस नाम लगाते हैं, तखल्लुस कहते हैं उसको, तो तखल्लुस कुछ नहीं लिखता न कोशिश आजमाता हूं, तखल्लुस कुछ नहीं लिखता न कोशिश आजमाता हूं, मेरे मोहसिन मेरे दोस्त मेरे यार, तखल्लुस कुछ नहीं लिखता न कोशिश आजमाता हूं, मेरे यारों मैं अब लोगों की ताली पर नहीं लिखता, मेरी आदत है मैं ख्वाबों ख्याली पर नहीं। मेरी रचना है महाभारत, जो प्रतिनिधि रचना कहते हैं दमदार जी उसको मेरी, तो उसकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि मेरा मानना है कि महाभारत जो है ना वो आज भी चल रही है सर, और हमारा चयन तय करता है कि हमारा पक्ष क्या है, हम कौरव हैं या पांडव। बस इस भूमिका को दिमाग में रखिएगा और सुनिएगा कविता को, कि कर रहा विलाप बाप, कर रहा विलाप बाप, पढ़ रहे हैं धर्मराज, संजय खड़ा सुना रहा है कौरवों का सर्वनाश, कर रहा विलाप बाप, बढ़ रहे हैं धर्मराज, संजय खड़ा सुना रहा है कौरवों का सर्वनाश, सूर्य छुप गया कहीं और धरा भी हिल रही, ये कैसा वक्त आ गया न दिन है ना निशारे, सूर्य छुप गया कहीं और धरा भी हिल रही, ये कैसा वक्त आ गया न दिन है ना निशा रही, ये युद्ध एक प्रमाण है मनुष्यता की जीत का। इस कविता में इतना सम्मोहन है ना कि हमेशा यही होता है कि लोग ताली बजाना भूल जाते हैं। सूर्य छुप गया कहीं और धरा भी हिल रही, ये कैसा वक्त आ गया न दिन है ना निशा रही, ये युद्ध एक प्रमाण है मनुष्यता की जीत का, इसी में दिख रहा है फर्क द्वेष और प्रीत का, युद्ध एक प्रमाण है मनुष्यता की जीत का, इसी में दिख रहा है फर्क द्वेष और प्रीत का, अभी खत्म नहीं हुआ ये युद्ध अब भी जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ ये युद्ध अब भी जारी है, अभी भी पांडव पुत्र हैं, अभी भी वंशीधारी है, अभी भी वीर कर्ण के ज्ञान चक्षु बंद है, अभी भी वीर कर्ण के ज्ञान चक्षु बंद है, अभी भी द्रोणाचार्य के अंतर हृदय में बंद है, अभी भी वीर कर्ण के ज्ञान चक्षु बंद है, अभी भी द्रोणाचार्य के अंतर हृदय में द्वंद है, परंतु मित्र देखना, ये अंतिम चार पंक्तियां हैं कि परंतु मित्र देखना ये युद्ध हारना नहीं, परंतु मित्र देखना ये युद्ध हारना नहीं, अधर्म के समक्ष अपने अस्त्र डालना नहीं, तुम्हें शपथ है सत्य की स्वयं तुम्हारे रक्त की, तुम्हें शपथ है सत्य की स्वयं तुम्हारे रक्त की, तुम्ही में आज भीष्म है, तुम्ही में आज पार्थ है, तुम्हारे हाथ में ही आज द्रौपदी की लाज है, तुम्ही में आज भीष्म है, तुम्ही में आज पार्थ है, तुम्हारे हाथ में ही आज द्रौपदी की लाज है, तुम आज भी समर्थ हो, पुनः विजय तुम्हारी है, ये युद्ध अभी जारी है, युद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।